जी जिन शिकायतों की आप बात कर रहे हैं, क्या उनका सबूत लेकर आप पुलिस के पास में गए थे जो पुलिस ने नहीं सुना है? कुछ तो प्रमाण ऐसे रहे होंगे। नहीं साहब, हमने तो बाकायदा लिखित में मेडिकल स्टोर्स के नाम लिख करके दिए। हमने साहब लिखित में कहा बरेली, हम भी बरेली के इलाके में ही रहते हैं। हमने हमने लोगों से प्रशासन से बैठ करके बातचीत की है, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात को सुन करके अनसुना कर दिया। उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि मौलाना तौकीर रजा साहब ने जो कहा है उस पर आप बाकायदा जांच आप कराइए, सच्चाई सामने आ जाएगी। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों का सिर्फ काम मुसलमानों को टारगेट करना था, है और आगे भी रहेगा। जिस दिन ये मुसलमानों को टारगेट करना खत्म कर देंगे उस दिन ये खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन नूर अहमद जी, ये जो लफ्जियात के मामले, पहचान छुपाकर जो इस दौरान प्यार का नाटक किया जा रहा है, इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? वो भी तो अपराध हो रहा है ना एक। अरे ये तो कोई अपनी पहचान छुपाए वो अपराध है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई हो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं अल कबीर और पता नहीं किन किन के नामों से, और वो लोग अपनी उसके उसके मालिक कोई और है और नाम उसका मुसलमानों जैसा है, जरा जरा उस पर भी नजर डाली जाए। विनोद बंसल साहब, हिम्मत है आप में, जरा जरा इस पर भी तवज्जो आप दे दें। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है नूर अहमद जी, जवाब ले लेते हैं, सवाल उठा दिया तो जवाब भी पूछ लेते हैं ना। विनोद बंसल जी, जवाब दीजिए। दो तीन बातें बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने जो कहा कभी हमारे मुसलमान लड़कों को एचआईवी हो गया है, तो मुझे जरा लिस्ट दें कम से कम कौन कौन से लड़के हैं, कहां कहां पर जिनको एचआईवी हुआ है, कम से कम उनको उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए ना जी। जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्था या कोई ये मौलाना तौकीर रजा, तो उनका इलाज कराएंगे नहीं? मैं कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद उसका इलाज कराएगा। आप नाम बताइए। नूर अहमद जी सुन लीजिए, ये मैं कहता हूँ मुस्लिम समाज में बहुत सारे एचआईवी से ग्रसित लोग है ना, घूम रहे हैं मुझे पता है, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा। मैं चाह रहा हूँ उनका हम इलाज करें। हमारी बहुत सारी संस्था जो इलाज करती है, अपना कराओ इलाज, बाद में मुस्लिम समाज से कराना, हम लोग करा लेंगे। आपका खुद का इलाज होना है, आप खुद बीमार हो, आपकी खुद की मानसिकता खराब है, आप खुद देश में हिंदू और मुसलमान फैला रहे हो, और इसके बिना आपकी आपकी कोई दूसरी पहचान भी नहीं है। आपकी पहचान ही यही है, मुसलमानों को टारगेट करते हो, इसके सिवा कोई और आपकी पहचान नहीं है, समझे? आप बोल रहे हो, बैठे हुए यहाँ पर क्यों दिखा रहे हो यार? अपने कल्चर मत दिखाओ यार। आपकी आवाज शायद विश्व हिंदू परिषद को जानती हो, आपको भी जानती है। मेरी आवाज नहीं आ रही मैडम? नहीं, आपकी आवाज, आप बात पूरी कीजिए, 30 सेकंड का समय। मैं ना नूर अहमद जी को प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा हूँ, एक्चुअली ऑडियो में प्रॉब्लम है आपके दोनों गेस्टों के साथ में। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो नूर अहमद जी ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, मैं कहता हूँ कि ये जो प्रश्न इन्होंने उठाए हैं ना तौकीर रजा ने, ठीक है मैं मानता हूँ कि भड़काऊ मौलाना ये, लेकिन भड़काऊ मौलाना बजाय मीडिया में भड़काने के कुछ रियलिटी पे काम भी करे ना। इनके लोगों का एचआईवी हुआ, उनकी लिस्ट है। एक बात, भड़काऊ मौलाना नहीं है। ठीक है, समय कम होने के चलते चर्चा को मुझे यहीं पर ही रोकना होगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से तौकीर रजा की तरफ से ये बयान सामने आया, जहां पर इस दौरान आरएसएस के साथ में उन्होंने कहा कि हिंदू लड़के जो कि इस दौरान फंसाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम लड़कियों को, इतना ही नहीं एचआईवी फैलाने का काम भी किया जा रहा है, तो इन सभी को फंडिंग जो है वो आरएसएस कर रहा है। फिलहाल इसको लेकर जिस तरीके से सियासत भी अब तेज हो चुकी है, अब देखना होगा कि आखिरकार अभी जिस तरीके से आरएसएस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, आखिरकार इस पर क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।